बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक हेल्दी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ मिल्क शेक की। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बनाना मिल्क शेक, जो बच्चों और बड़ों दोनों को ही तकरीबन पसंद होता है। तो चलें देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करा करें। जी तो मैं यहाँ पर तकरीबन दो बनाना यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने इस शेप में कट कर लिया है। अगर आप इसको कट ना भी करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी इसको जूसर में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब शुगर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट पर डिपेंड है। यहाँ पे इसके बाद मैंने इलायची ली थी, तकरीबन 3 इलायचियाँ ली हैं, जिसकी मैंने सीड्स जो है उसको निकाल लिया था और उसको अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में ले आई थी। वो तकरीबन 1/4 टीस्पून बने थे, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और 1 गिलास जो है वो मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। इसके बाद जस्ट हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे तरीके से। जी तो हमारा मज़ेदार सा बनाना शेक अब रेडी है। तो आप इसको ग्लास में डालें और किसी भी चीज़ से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसमें हल्की सी चॉकलेट स्प्रिंकल की है। जी तो हमारा क्विक, सिंपल एंड डिलीशियस बनाना शेक रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।